महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में गीता विद्या मंदिर निमरी के सहयोग से गीता यूनिवर्सिटी में 16वें नेशनल इंटर स्कूल ग्रुप डांस व ग्रुप सॉन्ग और डेक्लामेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार, गीता यूनिवर्सिटी के चांसलर SP बंसल, गीता ग्रुप की चेयरपर्सन गीता बंसल, प्रोफेसर चांसलर निशांत बंसल, अंकुश बंसल, वाइस चांसलर डॉ. विकास सिंह और PVC डॉ. गुलशन चौहान ने दीप प्रज्वलित कर किया। अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में इंटर स्कूल डांस कंपटीशन, इंटर स्कूल सॉन्ग कंपटीशन और डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट किया गया, जिसमें लगभग 85 टीम्स ने भाग लिया, जो कि पूरे हरियाणा से और आसपास के स्कूलों से बच्चे आए। मैं उन सभी बच्चों का यहाँ प्रधारण का स्वागत करता हूँ और इसके साथ ही उन प्रिंसिपल्स और हेड्स का, जिन्होंने इन बच्चों को तैयार करके गीता यूनिवर्सिटी के प्रांगण में भेजा, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लगभग 2000 के करीब बच्चों ने आज पार्टिसिपेट किया। आज गीता यूनिवर्सिटी में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा हो। महाराजा अग्रसेन एक अग्रवाल समाज के सबसे प्रमुख नेता, नहीं कहूँगा मैं, एक महाराजा हुए हैं जिनके 18 गोत्र हैं, 18 पुत्र या 18 यज्ञ हुए जिनके नाम पर ये समाज चल रहा है। और महाराजा अग्रसेन ने अपने कार्यकाल में अपने राज्य में एक ईंट और एक रुपया की प्रथा चलाई। वो प्रथम समाजवाद के प्रणेता थे जिन्होंने समाजवाद के बारे में लोगों को बताया। उसके बाद अनेक नेता हुए जिन्होंने उसको फॉलो किया। इसी प्रकार से अहिंसा पर उन्होंने पूरा बल दिया। यही नहीं, उन्होंने अपने पूरे राज्य में पेड़ पौधे, कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए, सड़कें बनवाई और कोई भी अपने राज्य में गरीब नहीं रहने दिया। यही नहीं, इन्होंने धर्मशालाएँ और मंदिरों का निर्माण किया, गुरुकुल निर्माण किया और वही प्रथा अग्रवाल समाज आज बनाए हुए है। इस कार्यक्रम में 3 मंचों पर लगभग 2000 विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। इस दौरान गीता यूनिवर्सिटी के चांसलर SP बंसल और गीता ग्रुप की चेयरपर्सन गीता बंसल ने बताया कि पिछले लगभग 15 सालों से ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है। उनका मकसद है कि नई पीढ़ी के विद्यार्थियों को समाज के महापुरुषों के जीवन चरित्र के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करें। हमारा मकसद एक बहुत सीधा साधा है। महाराजा अग्रसेन जी, जो कि एक वैश्य समाज के बहुत बड़े जनक हुए, मान लो उसके निर्माता हुए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। ये 2007 से हम ये प्रोग्राम लगातार कंटिन्यू करते आ रहे हैं। 3 साल कोरोना काल में ये डिले हुआ, इस बार फिर दोबारा हमने स्टार्ट किया है। इसमें 50 स्कूलों के बच्चे आते, 50 या 60 स्कूल के भी बच्चे आते, टीम आती है पूरे हरियाणा से और सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इसमें अच्छा लगता है बच्चों का, प्रोग्राम बहुत ही सराहनीय होते हैं इनको। हमारा मकसद, मेरा मानना है, जिस समाज में हम जन्म लेते हैं उसको उभारना, उसके बारे में बताना हम लोगों का एक फ़र्ज है जी। ये एक ऐसा समाज है, वैश्य समाज, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँगी जी। इनके जो वंशज हुए हैं, महाराजा अग्रसेन के फादर वल्लभ सेन जी, जो कि एक बहुत ही कर्मठ और महान राजा थे प्रताप नगर के, ये एक क्षत्रिय समाज से थे, जो कि राजा राम के पुत्र कुश उनकी 34वीं पीढ़ी से थे। तो उनके बेटे हुए ये महाराजा अग्रसेन, जो कि उस टाइम क्या होता था कि पशुओं की बलि दी जाती थी यज्ञ में, तो इससे इनको बड़ी चिढ़ थी, ये ऐसा क्यों किया जाता है, इनकी आत्मा बड़ी शुद्ध थी
तो इनको ये अच्छा नहीं लगता था महाराजा अग्रसेन को जी। उन्होंने इसका विरोध किया तो छोड़कर उन्होंने इसको वैश्य धर्म के नाम से जाना गया, जो कि एक कर्मठ समाज है, और उन्होंने इसकी बलि का विरोध किया गया। उस तरह जो यज्ञ हुए उनमें तो बलि दी गई, पर 18वें यज्ञ जब हुआ तो उनके बड़े पुत्र थे विभू महाराजा अग्रसेन के, तो उन्होंने उसको कहा ये इसकी बलि रोक दी जाए। महाराजा अग्रसेन ने इसका विरोध किया और वहाँ से इन्होंने पशुओं की बलि देना बंद कर दिया। उसके बाद से इन्होंने वहाँ पे एक नगरी बसाई महाराजा अग्रसेन ने, तो उस नगरी में क्या होता था, लोग आके बसते थे, उनकी वो हेल्प करते थे, जो भी लोग आके बसता उनकी हर तरह से हेल्प की जाती थी, उनको एक रुपया और एक ईंट दी जाती थी, सभी से कहा जाता था, जिससे वो एक ईंट से अपना घर बना सकें, और एक एक रुपया जब सारे दान में देते थे उससे उनका व्यापार शुरू हो जाता था। ऐसे करके उन्होंने एक वहाँ पे एक अग्रोहा में एक पूरा गांव बसाया, एक अपना विरासत बसाई जो आज की हरियाणा में है, जिसकी बहुत मान्यता है वहाँ पे। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन वैश्य समाज के अग्रणी महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने समाज को समरसता का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।